नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए, गुजरात राज्य स्तर पर पहले स्थान पर रहा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.7% हुई और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद अपने संबोधन में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में बात की थी। सत्याग्रह के लिए तो बिल्कुल ऐसा है कि जान चली जाए, पैसे चले जाए, लेकिन कभी हार ना लेंगे, वो सत्याग्रह है। क्यों? कि उसमें सत्य आ जाता है। अगर असत्य काम करना है तो झूठ हो जाता है। वो असत्य के लिए नहीं है, सत्य के लिए है, स्वमान के लिए है। ऐसा जब होता है तो उसे कभी हार ना लेंगे। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशों में भी महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए कई वर्चुअल कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर आज सुबह सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी की जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाई जा रही है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की है कि वे राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लें। उन्होंने लोगों से सत्य और अहिंसा के गांधी जी के मंत्रों का अनुसरण करने और स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ़ और खुशहाल भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार करने का भी आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन और शिक्षाओं से देशवासियों को सत्य, प्रेम और मानवता के निस्वार्थ सेवा का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की अंत्योदय की सोच हमें देश के सबसे उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करने की प्रेरणा देती रहेगी। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी जयंती पर हम अपने प्रिय बापू को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन और महान विचारों से बहुत कुछ सीखना है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। गांधी जी समाज में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए हर फैसला लेने की बात करते हैं। गांधी जी के ये सिद्धांत हमें मानवता की रक्षा करने के लिए मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं। मुझे विश्वास है कि गांधी जी का दिखाया ये रास्ता बेहतर विश्व के निर्माण में प्रेरक सिद्ध होगा। मैं समझता हूं कि जब तक मानवता के साथ गांधी जी के विचारों का ये प्रवाह बना रहेगा, तब तक गांधी जी की प्रेरणा और प्रासंगिकता भी हमारे बीच बनी रहेगी। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह विजय घाट पर उनकी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। एक ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान सपूत थे जिन्होंने अनोखी निष्ठा से देश की सेवा की। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और युद्धकाल में जिस तरह देश का नेतृत्व किया वो राष्ट्र को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री सादगी, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के प्रतीक थे।
उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने अपने अनुकरणीय नेतृत्व से संकट के समय राष्ट्र का मार्गदर्शन किया। श्री नायडू ने कहा कि शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे ने समूचे राष्ट्र को आंतरिक और बाह्य खतरों से संघर्ष के लिए ऊर्जा प्रदान की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री बड़े विनम्र और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति थे। वे सादगी के प्रतीक थे और उनका जीवन राष्ट्र के कल्याण के प्रति समर्पित था। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे गए। शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने भी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती में केंद्रीय कारागार में आज महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर रेडियो प्रिजन नाम के रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया है। इस रेडियो स्टेशन के जरिए जेल परिसर के भीतर रहने वालों को शैक्षिक, कानूनी और स्वास्थ्य संबंधी विषयों की जानकारी दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये रेडियो स्टेशन फाइबर केबल नेटवर्क पर आधारित है और जेल परिसर के भीतर से ही संचालित किया जाता है। रेडियो प्रिजन साबरमती जेल की एक ऐसी अनूठी पहल है जिसकी आज जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के एल एन राव ने शुरुआत की। यह रेडियो स्टेशन में अन्य सभी रेडियो स्टेशन जैसी ही सुविधा होगी। फाइबर केबल नेटवर्क के आधार पर यह सेवा पुराने जेल आवास से चलाई जाएगी। बाद में यह सेवा महिला जेल और नए जेल आवास तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए अन्य रेडियो स्टेशन जैसा ही स्टूडियो तैयार किया गया है जो जेल के कैदी द्वारा चलाया जाएगा। प्रसारण कार्य के लिए कैदियों को 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडियो जॉकी सहित रेडियो स्टेशन का पूरा कार्य जेल के कैदी द्वारा चलाया जाएगा। फिर भी जेल प्रशासन द्वारा मेहमान कलाकारों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कैदी द्वारा साबरमती आश्रम में सिखाए गए भजन भी प्रस्तुत किए जाएंगे। साबरमती जेल प्रशासन द्वारा रेडियो प्रिजन के लिए 20 लाख रुपए का खर्च किया गया है, लेकिन इसका उद्देश्य पूरी तरह सामाजिक सेवा का रहेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। नेपाल में भारतीय दूतावास में आज महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने काठमांडू में दूतावास परिसर में बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय दूतावास ने एम्बुलेंस और स्कूल बसों के उपहार देने की अपनी परंपरा को जारी रखते हुए आज स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस सौंपी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित जीवन गाथा, चल पड़े जिधर दो डग। 2 अक्टूबर रात 9:15 पर आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट में 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। यह सम्मेलन वैश्विक और प्रवासी भारतीय अनुसंधानकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक मंच प्रदान करता है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है जो दुनिया भर के शैक्षिक और शोध संस्थाओं से जुड़े हैं। इस सम्मेलन में 55 देशों के भारतीय मूल के 3000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेबिनार के जरिए भाग लेंगे। देश के 10,000 से अधिक वैज्ञानिक और शिक्षाविद इस सम्मेलन में शामिल होंगे। 40
देशों के 1500 से अधिक पैनलिस्ट और 200 प्रमुख भारतीय अनुसंधान और विकास और शैक्षणिक संस्थान 80 विषयों पर 200 सत्रों में विचार विमर्श करेंगे। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर इस सम्मेलन का समापन होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को वर्ष 2020 के स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार पेयजल और स्वच्छता श्रेणियों के अंतर्गत दिए गए। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुंदर सामुदायिक शौचालय, सामुदायिक शौचालय अभियान और गंदगी मुक्त भारत नाम के 3 मिशन शुरू किए थे। स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के अंतर्गत गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि तमिलनाडु में तिरुनेलवेली ने जिला स्तर पर स्वच्छता का पहला पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के खाचरौद ने ब्लॉक स्तर का और तमिलनाडु के चिन्नानूर गांव को ग्राम स्तर का पहला पुरस्कार दिया गया। सामुदायिक शौचालय अभियान के अंतर्गत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार मिला, जबकि प्रयागराज और बरेली को बेहतरीन काम करने वाले जिलों का पुरस्कार दिया गया। गंदगी मुक्त भारत मिशन के अंतर्गत हरियाणा और तेलंगाना ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि सरकार देश को खुले में शौच की बुराई से मुक्त बनाए रखने को वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता बनाए रखने और सबके लिए अच्छी स्वच्छ सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए और अधिक संख्या में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाएगा। पुरस्कार वितरण समारोह में जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2014 में गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने की शपथ ली थी। श्री कटारिया ने कहा कि इसके ठीक 5 साल बाद भारत ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया और अब देश ODF प्लस दर्जा हासिल करने की ओर अग्रसर है। बिहार में विधानसभा चुनाव के सिलसिले में विभिन्न पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन अलग अलग बातचीत कर रहे हैं। पहले चरण की 71 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत का सिलसिला पूरे जोरों पर है। इस चरण के लिए नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 8 अक्टूबर है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। NDA के घटक लोक जनशक्ति पार्टी अपने लिए सम्मानजनक सीटों की मांग कर रही है, जिसके चलते विधानसभा सीटों पर समझौता अभी अटका हुआ है। भाजपा के राज्य प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस लोजपा और जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत कर समाधान निकालेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि सहयोगियों के साथ समझौता करीब करीब अंतिम दौर में है और रविवार तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला हो जाने की उम्मीद है। दूसरी तरफ विपक्षी महागठबंधन में अब भी सीट समझौते को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इससे पहले राजद के वरिष्ठ नेता मनोज कुमार झा ने कहा था कि कांग्रेस को उसकी सीटों के बारे में बता दिया गया है, अब फैसला उनको लेना है। कांग्रेस ने इसे लेकर अभी तक कोई संकेत नहीं दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का दायरा बढ़ाकर वामपंथी दलों को भी इसमें शामिल करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाथरस हत्या घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि कानून के अनुसार आरोपियों को कड़ी सजा दी जाएगी। हैदराबाद में आज एक सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को पोषण किट वितरित करने के बाद उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें आरोपियों को निश्चित रूप से सजा दिलाने के लिए कदम उठाएंगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2 और राज्यों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कारोबारी सुविधा में सुधार के लिए बाजार से अतिरिक्त ऋण जुटाने की अनुमति दे दी है। इससे इन राज्यों को 7,106 करोड़ रुपए की और राशि उपलब्ध हो जाएगी। कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस साल मई में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के ऋण देने की सीमा में बढ़ोतरी कर इसे उनके सकल घरेलू उत्पाद के 2% के बराबर बढ़ा दिया था। इससे राज्यों को कुल 4,27,302 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हो गई थी। इस राशि में से 1% राज्य स्तरीय सुधारों को लागू करने के लिए निर्धारित किए गए थे।
इन सुधारों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करना, कारोबारी सुविधा में सुधार लाना, शहरी स्थानीय निकायों तथा बिजली क्षेत्र के सुधार शामिल हैं। पिछले सप्ताह के शुरू में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा को खुले बाजार से उधार के जरिए 9,913 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि जुटाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इसके लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू करने की शर्त रखी गई थी। आंध्र प्रदेश अब देश में पहला राज्य बन गया है जिसने कारोबारी सुविधा में सुधार किए हैं, जिससे वो खुले बाजार से कर्ज के जरिए 2,525 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जुटाने का पात्र बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रोहतांग में ऊंची पहाड़ियों पर बनी विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश के लोगों के लिए 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी 9.2 किलोमीटर अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। इस टनल के बनने से जहां मनाली और लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी, वहीं परिवहन में करोड़ों रूपये की बचत भी होगी। वहीं दूसरी ओर लाहौल घाटी के लोगों को अब साल भर आवाजाही मिलेगी, जो कि सर्दियों में भारी बर्फबारी के चलते दुनिया के बाकी हिस्सों से 4 महीने से अधिक समय तक कटा रहता था। इस डबल रेल टनल की खास बात यह है कि इसमें टेलीफोन सुविधा, फायर हाइड्रेंट, इमरजेंसी एस्केप एग्जिट टनल, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, सीसीटीवी कैमरे, ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और इंसिडेंट डिटेक्शन यंत्र हर निश्चित दूरी पर स्थापित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अटल सुरंग रोहतांग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और साथ ही राष्ट्र के लिए इसका सामरिक महत्व है। इसके अलावा यह सुरंग क्षेत्र के लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रोहतांग लाहौल स्पीति से संजीव सुंदरियाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। गुजरात राज्य स्तर पर पहले स्थान पर रहा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.7% हुई। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटों में करीब 79,000 लोगों के ठीक होने के बाद अब इस संक्रमण से ठीक हुए रोगियों की कुल संख्या 53,50,000 से अधिक हो गई है। स्वस्थ होने की दर भी 83.7% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक हुए रोगियों और इलाज करा रहे रोगियों की संख्या के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। ठीक हुए लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि होने से देश में कोविड रोगियों का प्रतिशत कम करने में मदद मिली है, जो इस समय कुल संक्रमित मामलों का केवल 14.74% है। स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की तुलना में 5 गुना से भी अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले रोगियों की लगातार बढ़ती दर का कारण यह है कि 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसका 80% से अधिक हो गया है। बड़े पैमाने पर जांच के जरिए रोगियों का पता लगाने, अस्पतालों में तत्काल और कारगर उपचार और पृथकवास तथा घरों में संक्रमित लोगों की देखरेख की सुविधाओं से देश में स्वस्थ होने की दर में काफी सुधार हुआ है। इस समय देश में कोविड महामारी की मृत्यु दर 1.56% है। दुनिया में औसत मृत्यु दर की तुलना में भारत में लगातार कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में 81,484 नए मामले सामने आए, जिससे देश में संक्रमित मामलों की संख्या 63,94,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश भर में कोविड रोगियों की कुल संख्या 9,42,000 से ज्यादा है। पिछले 24 घंटों में 1,095 लोगों की मृत्यु होने से देश में अब तक महामारी का शिकार हुए लोगों की कुल संख्या 99,773 हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। भारत लगभग 7 करोड़ 70 लाख नमूनों की जांच के साथ दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां दैनिक आधार पर कोविड की सबसे अधिक जांच की जा रही है। इस वर्ष जनवरी में पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में सिर्फ एक परीक्षण प्रयोगशाला थी और अब देश भर में
कोविड नमूनों की जांच के लिए 1,859 प्रयोगशालाएं हैं। इनमें 1,101 सरकारी और 768 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। पिछले दो महीने की अवधि में औसत दैनिक जांच में लगभग 4 गुना की वृद्धि देखी गई। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर जांच का आंकड़ा दो महीने में कई गुना बढ़ा है। वर्तमान में ये संख्या प्रति 10 लाख में लगभग 50,000 है। बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी दैनिक जांच में वृद्धि की है। 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्रति 10 लाख अधिक जांच की है। कोविड नमूनों की जांच में वृद्धि के बावजूद संक्रमण दर 8.4% के आसपास है। बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, झारखंड और तेलंगाना में कोरोना रोगी 5% से कम हैं। मध्य प्रदेश में कोविड के मरीज तेजी से ठीक हो रहे हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 82.5% हो गई है। पिछले 15 दिनों के दौरान मृत्यु दर कम होकर 1% पर आ गई है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर उपलब्ध हैं तथा ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सामग्री की भी कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 20,473 सक्रिय मरीज हैं। वहीं बीते 4 दिनों में प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामले करीब 2,000 तक घट गए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मरीजों में 60% मरीज होम आइसोलेशन में हैं। प्रत्येक जिले में कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से होम आइसोलेशन के मरीजों की निरंतर निगरानी की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कई प्रकरणों में कोरोना मरीज निगेटिव होने के बाद भी दोबारा पॉजिटिव हो गए हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि निगेटिव होने के बाद भी 1 सप्ताह तक कोरोना के मरीज अनिवार्य रूप से होम आइसोलेशन में रहें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झारखंड सरकार ने कल देर रात कोरोना वायरस महामारी के दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहरी इलाकों में और अधिक गतिविधियां शुरू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। पूजा अर्चना के लिए सभी धार्मिक स्थल 8 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे। स्कूल, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। अंतर्राज्यीय परिवहन शुरू नहीं किया गया है। महाराष्ट्र में कोविड 19 से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि कोरोना से स्वस्थ होने के बाद लगभग 10-12% रोगियों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित लक्षण पाए गए। ऐसे रोगियों को देखते हुए पुणे में कुछ विशेष परामर्श ओपीडी चलाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने कोविड 19 संक्रमण से उभरने वाले मरीजों को परामर्श देने की योजना तैयार की है। इसके तहत पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम क्षेत्र में 5 स्थानों पर विशेष काउंसलिंग ओपीडी शुरू की जाएगी। ओपीडी में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीमों को नियुक्त किया जाएगा। ऐसे नागरिक जो इस ओपीडी में नहीं आ सकते, उनके लिए एक टोल फ्री नंबर भी स्थापित किया गया है। वहीं दूसरी ओर पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम ने आशा सेविका तथा आंगनबाड़ी सेविकाओं को मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान में शामिल कर लिया है। इसमें लगभग 500 सेविकाएं शामिल है। इस अभियान के तहत 1,500 से अधिक टीमें बनाई गई है जो तकरीबन 55,000 घरों में जाकर जांच करेंगी। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ओडिशा में कोविड 19 संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,90,080 हो गई। राज्य में आज 4,380 रोगी स्वस्थ हुए हैं। ओडिशा में 3,600 नए मामलों के साथ ही राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,26,334 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 16 रोगियों की मौत हुई। त्रिपुरा में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 79% हो गई है। अब तक 20,573 रोगी संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 283 लोगों की मौत हुई है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण से ठीक होने के बाद 504 रोगियों को छुट्टी दे दी गई। अभी 5,184 रोगियों का इलाज चल रहा है। त्रिपुरा में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 26,043 तक पहुंच गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 2,009 नए मामले सामने आने से राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,95,609 हो गई है। कल 54,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। ठीक होने की दर 84.78% हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर घनश्याम पांगटे चर्चा में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इससे पहले श्री ट्रंप ने आज एक ट्वीट संदेश में स्वयं और पत्नी मेलानिया के कोरोना से संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे पृथकवास में हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 in the night on 100.1 FM All India Radio. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए 3 कृषि सुधार कानूनों की सराहना की है और कहा है कि इससे देश के किसानों को सशक्त बनाने के गांधीवादी मूल्य सुनिश्चित किए जा सकेंगे। केंद्रीय भंडार और सेंटर फॉर स्ट्रेटजी एंड लीडरशिप द्वारा आयोजित महात्मा गांधी के स्वच्छता के साथ प्रयोग समृद्धि की कुंजी विषय पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जितेंद्र सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि उपज और पशुधन बाजार समितियां जारी रहेंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके यादव ने कहा कि रेलवे आगामी त्योहारों के दिनों में यात्रियों की सुविधा के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक विशेष रेलगाड़ियां चलाने की योजना बना रहा है। श्री यादव ने कहा कि अनुमान है कि करीब 200 रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद दोनों ने टूर्नामेंट में अब तक 3-3 मैच खेले हैं। दोनों ने ही एक एक मैच जीते हैं और 2 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। कल रात अबुधाबी में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने किंग्स 11 पंजाब को 48 रन से हरा दिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 और 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे तथा तेज बारिश या आंधी चल सकती है। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुवाहाटी में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। एक या दो बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें हो सकती हैं। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अब चलने से पहले प्रस्तुत है बापू का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए, जिसे गाया है नाइजीरिया के कलाकारों ने। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, तीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए रे, तीर पराई उपकार करे कोई मना दिमाग माने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए तीर पराई जाने रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत पुरस्कार प्रदान किए। गुजरात राज्य स्तर पर पहले स्थान पर रहा। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 83.7% हुए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।